ठीक है। ठीक है, मैटर क्या है? मैटर, अब कौन सा वाला मैटर? ये लड़ाई झगड़े वाला मैटर नहीं, ठीक है, ये लड़ाई झगड़े वाला मैटर नहीं है, ठीक है। तो मैटर क्या होगा, सबसे पहले समझो कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। देखो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, इसके अंदर जो स्पंज है, उसके अंदर जो इंक है, और जो ये जो ये बुक है, ये नोटबुक है, ये लड़की है, चेयर है, मतलब जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, फैन है, ये लाइट है, जो हवा है, यहाँ पे हमें नहीं दिख रही ना, लेकिन हवा भी क्या है? मैटर। क्या है? मैटर, मैटर है। देखो, तुम कहोगे कि मैम ये मैटर, मतलब कहीं ना लगा कि हवा भी मैटर है। जो चीजें, जिन चीजों का अपना एक वेट होता है, उनका एक अपना एक मास होता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। जो जो मतलब एक द्रव्यमान होता है, जैसे ये है, इसका एक अपना वेट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मैटर हो जाएगा, मैटर। वैसे ही हवा, अब तुम कोई बलून लो, एग्जांपल के लिए कोई छोटा सा बलून ले लिया, अब तुम छोटे से बहुत सारे बलून तुमने होली पे बहुत सब बच्चों को मारे भी होंगे, भर भर के पानी से, पानी के भरे ऐसे मार दिए, खाली पानी, कलर नहीं भरा हुआ उनके अंदर, वैसे ही मार दिए, है ना। तो जब छोटे छोटे बलून होते हैं, तो उनको बहुत सारे इकट्ठे करके अपनी पॉकेट के अंदर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना, भर सकते हैं, भर के रखते हैं अपने दोनों पॉकेट, ये लो। लेकिन जब हम उनके अंदर हवा ब्लो करते हैं, तो कितना बड़ा हो जाता है? अब ये बलून इतना सा है, ठीक है, इतना ऐसा कुछ होता है बलून, लेकिन ये फूल के कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर क्या भर दिया? हवा भर दिया। क्या भर दिया? हवा, एयर आ गई इसके अंदर। क्या आ गई? एयर। अब उसने अपनी जो एक जगह ले ली उसने अपनी एयर ने, बलून के अंदर भर गई। अभी तुम खाली बलून का वेट करो, और जब उसके अंदर हवा भर दोगे तो उसका वेट करो, वेट हो जाएगा ना उसके अंदर, हो जाएगा ना वेट उसके अंदर। तो हम कहेंगे कि एयर भी जो है वो एक मैटर है। क्या है? मैटर है। समझ में आया? मैटर क्या होता है? हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है वो सब क्या है? मैटर। सब मैटर है। अब देखो, मैटर जो होते हैं वो तीन उनकी तीन स्टेजेस होती है। कितनी स्टेज होती है? तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट होता है सॉलिड, ठीक है, इस तरह से कोई भी चीज़ है सॉलिड होती है, लिक्विड। ये होती है लिक्विड। क्या होती है? लिक्विड। लिक्विड होती है पानी, पानी पानी वालों, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है? लिक्विड है। और हो गई फिर थर्ड, हो गई क्या? गैस। गैस, ये लो जी, गैस। गैस समझ में आया? तीन चीजें होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड और गैस, गैस, ठीक है भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस इसके अंदर ऐसे बनी हुई है, ठीक है। अब देखो, जो ये सॉलिड चीज है, समझ में आया? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ जी, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच हैज मास, जिसका एक मास होता है, एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, और जो थोड़ा सा स्पेस घेरता है, जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने स्पेस घेर रखा है, लेट जाऊंगी तो ज्यादा स्पेस घेर लूंगी, ऐसा लेट जाऊंगी तो और ज्यादा स्पेस घेर लूंगी, ठीक है, बैठ जाऊंगी तो खड़े होने से ज्यादा स्पेस घेर लूंगी। तो जो कुछ स्पेस भी घेरता है इज कॉल्ड मैटर। उसको क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? मैटर, घेरना। ऑक्यूपाइज सब स्पेस, जिसका कुछ ना कुछ स्पेस होता है, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है। देखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक बार, इसके पार्टिकल्स की, जो मैटर होता है। देखो,
ये मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग, क्या है बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ऐसे होते हैं ना फ्लोर बिल्डिंग के, yes, इस तरह से होते हैं, बातें नहीं करो भाई, इस तरह से फ्लोर्स होते हैं, होते क्या बिल्डिंग किसने कैसे उठा के ऐसे कैसे रख दी, नहीं रख दी ना, क्या किया पहले दीवारें खड़ी करी होंगी, तो दीवारें कैसे उठा के लेके आ गया, कोई नहीं लेके आया दीवारें, दीवारों के अंदर सरिया लगाया, ये सब लगाया, सीमेंट लगाया, ये सब लगाया, है ना, ईंट भी लगाई, अब ईंट ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी कुछ ईट ऐसी होती है, ठीक है, मुझे टोटल नाम नहीं याद, ईट समझ रहे हो, ईट क्या होता है, यस ब्रिक, ईट ऐसी होती है, अब वो ईट ऐसे कैसे ही बन गई, ऐसे कैसे ही बन गई ईट, वो किससे बनती है, सैंड से बनती है, मिट्टी को गीला करते हैं तब जाके उसको बनाते हैं एक फ्रेम के अंदर डाल के, ठीक है, उसको एक शेप देते हैं, एक शेप देने के लिए उनके पास में फ्रेम होता है, उसमें डालते हैं तो ईंट बनती है, फिर वो आग में पकाई जाती है, जो भी उसका प्रोसेस होता है, तो ईंट से दीवार बनी, दीवार से फिर बिल्डिंग बनी, तो जो ये सैंड होती है, जो ये सैंड है रेत, क्या है रेत, जो इसका एक पार्टिकल होता है, ठीक है, अगर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास ग्लास से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो ये पार्टिकल्स है, इसके जो धूल कण है, ये ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं इस तरह से, ठीक है, मतलब उनके अंदर गैप बहुत कम है, गैप तो होता है लेकिन गैप बहुत कम होता है, अब देखो मैं खड़ी हूँ, एक कोर, अभी हम कितने बंदे हैं इसके अंदर, अगर इतने बंदे और भर दे, ठीक है, फिर उतने ही बंदे और भर दे, फिर उतने ही और भर दे, तो क्या हो जाएगा, ऐसे भाई उधर हो जाओ, मैं मेरा क्या हो गया, तू उधर हो जा, उधर हो जा, ऐसे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, भीड़ भाड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, तो वैसे ही एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, और बहुत पास 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 होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मतलब अगर ये सैंड का एक कण है और उसको हम देखेंगे तो पता चलेगा, जब उसको मैग्नीफाई करेंगे तो पता चलेगा कि वो बहुत सारे हैं, मतलब एक कण के अंदर बहुत सारे उसके पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, और भी मतलब और भी बहुत सारे हैं, तब जाके वो एक पार्टिकल बना, जैसे बिल्डिंग बहुत सारी ईंटों से बनती है, वैसे ही एक पार्टिकल इसका इतने सारे मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल, समझ में आया, क्या समझ में आया, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे 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 होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, फिर सेकंड है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, तो इनके बीच में स्पेस होता है, छोटे तो होते हैं लेकिन इनके साथ, मतलब एक एक पार्टिकल ये है, फिर एक पार्टिकल ये है, फिर एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, अब देखो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो ये बीच में स्पेस बच गया ना, तो ये थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैस में तो इतना होता है, बहुत ज़्यादा, उसको समझो तुम, ये समझ में आया, yes, ma'am. हाँ भाई समझ में आया, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और पार्टिकल ऑफ मेटल हैव स्पेस बिटवीन देम, और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी होता है, थर्ड वाला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो ये पार्टिकल होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, क्या कर क्या होता है मूविंग मूव करते हैं, क्या करते हैं मूव करते हैं, वो आगे समझेंगे कैसे मूव करते हैं, दैट इज दे प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे कोई बॉल है, कोई बॉल को मैंने फेंक दिया ऐसे ऐसे लात मारी और दूर गई, वो जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, क्यों जाती रहेगी, बिकॉज ऑफ
काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो जाती रहेगी, एक्स्ट्रा फोर्स में लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जो चीज मोशन में होती है। अब मैं यहाँ से इधर जा रही हूँ, ठीक है, इधर से इधर आ रही हूँ, क्या है, मोशन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रही है, बॉल को मार रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हो रही है, किसी चीज को खींच रहे हैं, फिर वो वापस होता है ना रस्सा खींचने वाला, फिर उसको खींचते हैं, फिर छोड़ देते, फिर वो दूर लगी गिरता है, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सब क्या है, जिसमें मोशन होता है वो सब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। हाँ भाई देखो, ये हो गया मेडअप, समझ में आया कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, और काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन में जो भी चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। रिपीट हो गया, एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर राइजेस यानी कि बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ना किसको कहते हैं और टेम्परेचर कम होना किसको कहते हैं, ये अच्छे से एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूंगी। हमारे घर में एयर कंडीशनर है, ठीक है, एसी को कहते हैं कि जी इसका टेम्परेचर कम कर दो, है ना, बहुत गर्मी लग रही है, टेम्परेचर कम कर दो, तो कितना करते हैं, 18 कर देती है, बहुत ठंडी ठंडी हवा देता है, हाँ मजा आ गया, है ना। उसके बाद जब एक दो घंटा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, गर्मी हमें ठंड लगने लगती है, चद्दर की जरूरत होती है, आधे घंटे में चद्दर दे दो भाई, चद्दर या कंबल वगैरह कुछ भी, तो क्या कहते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो। तो टेम्परेचर बढ़ाना किसको कहते हैं, जब गर्मी हो जाती है, और टेम्परेचर घटाना किसको कहते हैं, जब ठंड हो जाती है, समझ में आया, जब ठंड हो जाती है। अगर टेम्परेचर 18 पे है तो क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, yes, अगर टेम्परेचर 26 पे है, 36 पे है तो क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, 45 पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा गर्मी हो जाएगी, 100 पे हो जाएगा तो समझ में आया, अब समझ में आया, देखो तो क्या हो जाएगा, एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स जो है बहुत जोर जोर से तेज तेज से घूमना शुरू कर देंगे। देखो कैसे, स्कूल से आए तुम लोग, ठीक है, घर में खाना बन रहा है, आलू मटर की सब्जी बन रही है, कढ़ी चावल बन रहे हैं, सपोज कढ़ी चावल बन रहे हैं, कढ़ी की खुशबू आ रही है, मम्मी आज तो कढ़ी बनाई है, मम्मी घर में घुसते खुशबू आ जाती है ना, क्योंकि खाना गर्म है, क्यों आ जाती है खुशबू, क्योंकि खाना जो है वो गर्म है, क्या है, गर्म है, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसमें पार्टिकल जो है वो बहुत तेजी से फास्ट मूव कर रहे हैं, तुम्हारी नाक तक आ रहे हैं, है ना, कैसे आ रहे हैं नाक से, नाक तक कैसे आ रहे हैं, बाय एयर, एयर की वजह से वो आ रहे हैं। अब सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज्ड इन टेंपरेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज होती है, बताया, अगर सपोज कि मम्मी ने बनाया गाजर का हलवा, और वो बना के रात को बनाया, फ्रिज में रख दिया, सुबह उठाया किचन में रख दिया, कि तुम्हें खुशबू आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि वो ठंडा है, ठीक है। जब टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है, और जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा अच्छे से मूव कर पाते हैं, समझ में आया, चलो आज इतना ही, और कल करते हैं और बाकी, ठीक है। हम इसका